अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। ये फाइनल मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। उदय सहारन के नेतृत्व में भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में अब तक एक भी मैच नहीं गंवाया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में दोनों टीमों का आमना सामना पहली बार 2012 में हुआ था। तब टीम इंडिया की कमान उन्मुक्त चंद के हाथों में थी। भारतीय टीम ने ये मुकाबला 6 विकेट से जीता था। वहीं फाइनल में दूसरी बार दोनों टीमों की भिड़ंत साल 2018 में हुई थी। इस बार टीम इंडिया की कप्तानी पृथ्वी शॉ कर रहे थे। इस मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से मात दी थी। अब दोनों टीमें तीसरी बार फाइनल में भिड़ने के लिए तैयार हैं। सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने डरबन सुपर जायंट्स को हराकर साउथ अफ्रीकी लीग SA20 के दूसरे सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया। सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। फाइनल मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स ईस्टर्न केप ने 3 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए। इस स्कोर का पीछा करते हुए डरबन की पूरी टीम 17 ओवर में महज 115 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए BCCI ने आखिरी 3 मैचों के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में तेज गेंदबाज उमेश यादव का नाम शामिल नहीं है। उमेश यादव पिछले लंबे समय से टीम से बाहर चल रहे थे, लेकिन उन्होंने हालिया समय में घरेलू क्रिकेट में काफी शानदार प्रदर्शन किया है। इसके बाद भी उनकी भारतीय टीम में वापसी नहीं हुई है। इस बीच उन्होंने स्क्वाड के ऐलान के बाद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा कि किताबों पर धूल जमने से कहानियां खत्म नहीं होती हैं। उनका ये पोस्ट अब काफी वायरल हो रहा है। 25 साल की ऑस्ट्रेलियाई वीमेंस टीम की ऑलराउंडर खिलाड़ी लॉरेन चिटली को ऑक्शन के दौरान गुजरात जायंट्स की टीम ने 30 लाख रुपए में अपना हिस्सा बनाया, लेकिन चोटिल होने की वजह से चिटली आगामी WPL सीजन में खेलते हुए नहीं दिखेंगी। ऐसे में गुजरात जायंट्स टीम ने न्यूजीलैंड की स्टार गेंदबाज ली ताहू को अपने साथ जोड़ा है। ताहू को 80 T20 और 93 वनडे मैच खेलने का अनुभव है। ताहू ने इसमें 78 और 109 विकेट हासिल किए हैं। IPL के आगामी सीजन को लेकर अभी शेड्यूल का ऐलान भले ही नहीं किया गया हो, लेकिन उससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स को एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड खेलते नजर नहीं आएंगे। उनकी जगह पर फ्रेंचाइजी ने वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेमार जोसेफ को अपनी टीम का हिस्सा बनाया है। विराट कोहली अपने 13 साल लंबे टेस्ट करियर में पहली बार कोई टेस्ट सीरीज मिस करने जा रहे हैं। उन्होंने निजी कारणों की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी 3 मैचों से भी बाहर रहने का फैसला लिया है। हालांकि पहले आस लगाई जा रही थी कि विराट कोहली बचे हुए 3 मैचों के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के आखिरी 3 मैचों के लिए तेज गेंदबाज आवेश खान और स्पिनर सौरभ कुमार को टीम में शामिल नहीं किया गया। सौरभ कुमार को सीरीज के दूसरे मैच के लिए रविंद्र जडेजा की जगह टीम में जगह मिली थी, लेकिन उन्हें डेब्यू करने का मौका नहीं मिला। अब वे टीम से बाहर कर दिए गए हैं। वहीं आवेश खान को सीरीज के शुरुआती 2 मैचों के लिए स्क्वाड में शामिल किया गया था, उन्हें भी प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली थी। पटना पायरेट्स ने शानदार खेल का नजारा पेश करके शनिवार को यू मुंबा को 24-23 से करारी शिकस्त देकर प्रो कबड्डी लीग के प्लेऑफ में जगह बनाने की तरफ मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। पटना पायरेट्स की टीम इस जीत से PKL की अंक तालिका में 4th स्थान पर पहुंच गई है। पटना की टीम ने शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और हाफ टाइम तक 19-10 से आगे थी। इसके बाद भी उसने किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती और आसान जीत हासिल की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग मैच में स्पेन को 4-1 से करारी शिकस्त दी। हरमनप्रीत ने 7वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला और इसके बाद 20वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक पर गोल किया। अपना 199वां मैच खेल रहे हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर पर अपने गोल की संख्या 150 पर पहुंचा दी है। जुगराज सिंह ने भी अच्छा खेल दिखाया और उन्होंने 24वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके भारत की तरफ से 3रा गोल किया। ललित उपाध्याय ने 50वें मिनट में गोल करके भारत की आसान जीत सुनिश्चित कर दी। स्पेन की तरफ से एकमात्र गोल 34वें मिनट में मार्क मिरालेस ने पेनल्टी स्ट्रोक पर किया। भारत अपना अगला मैच रविवार को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा।